बीजेपी जिस आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है बिहार में, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन शुरू। नीतीश ने धोखा दिया बिहार की जनता को, ये कहते हुए धरना दे रहे हैं बीजेपी के नेता। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, इसमें आप नित्यानंद राय को देख रहे हैं, राधा मोहन सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आगे की कतार में बैठे हुए ये तमाम नेता, और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के तमाम विधायक जो जुटे हुए हैं पटना में पार्टी ऑफिस में, जहां पर ये धरना शुरू हुआ है। जनादेश का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, बिहार की जनता को धोखा नीतीश कुमार ने दिया है अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, और महत्वाकांक्षा क्या, प्रधानमंत्री बनने की, जो कभी पूरी नहीं होगी, उसी के चलते बिहार के साथ ये विश्वासघात। ये वो तमाम आरोप हैं जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सुशील मोदी को भी देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे बीजेपी के नेताओं में बिहार के सुशील मोदी, और इस वक्त आप देख सकते हैं धरना देते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के ये तमाम नेता। हम बात करने की कोशिश करेंगे यही बीजेपी मुख्यालय में पटना में, हमारे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तेवर बेहद तल्ख हैं, पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं नीतीश के खिलाफ। बीजेपी नेताओं का ये गुस्सा, आज जब बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है, तभी नीतीश कुमार आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दोपहर 2 बजे शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस मौके पर बीजेपी सीधे नीतीश को निशाने पर ले रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश के निराशाजनक नाकाम चेहरे के चलते 2020 में जनादेश नहीं मिला था। जनादेश बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उनकी विश्वसनीयता को देखते हुए दिया था, और ये बीजेपी का बड़प्पन था कि कम सीट आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया, विश्वासघात किया बीजेपी के साथ, बिहार की जनता के साथ। सुनिए जरा किस तरीके से नारेबाजी इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ फिर से बिहार में नीतीश सरकार, आठवीं बार आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की शपथ लेने वाले हैं, और वहीं दूसरी तरफ आज के दिन सीधे नीतीश को कटघरे में खड़ा करने के लिए बीजेपी की ये रणनीति कि बीजेपी ने आज ही नीतीश पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया, और इस पे बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, तमाम बिहार बीजेपी से जुड़े बड़े नेताओं को आप देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, डॉक्टर जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन, ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, बीजेपी के तमाम विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता सभी यहाँ पर इस वक्त धरना दे रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे मौके से, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लोहवाल इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, नीतीश पर जरा भी नरमी बरतने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। आज जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आठवीं बार बिहार की शपथ देनी है, तभी नीतीश को कटघरे में खड़ा करती हुई बीजेपी धरना प्रदर्शन के जरिए। मनोज जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब सड़क पर बैठ गए हैं बीजेपी के मंत्री ही, यहां पर बिहार में जो परसों तक मंत्री थे, और आज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, सीधा नारा लगाते हुए कि नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लग रहे हैं, ये पूरा बीजेपी का मंच बना हुआ है। यहां पर सारे समर्थकों की भीड़ है, हाथों में पोस्टर्स भी है, ये कहते हुए कि विश्वासघाती नीतीश कुमार, जनाधार का किया उन्हें अपमान, ये पोस्टर्स दिखाते हुए महिलाएं यहाँ पर है। आपको दिखा दे, ये प्रदर्शन आज एकदम से ऐसा क्या हो गया, नीतीश कुमार जी से नाराजगी हो गई एकदम से? कल तक अच्छे थे, आज सुशासन बाबू नहीं रहे, जिस तरह से वो पलटू राम की तरह अपने पलट किए हैं, विश्वास नहीं करी थी पूरी बिहार की जनता की इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दगा देंगे वो,
भारतीय जनता पार्टी के पूरे विश्वास के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसको वो विश्वासघात किए हैं। बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी ऐसे पलटू राम को। ये जनता यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, के साथ समझौता क्या नीतीश जी ने, ये बहुत पीड़ादायक है। दूसरा, 19 लोकसभा जीते मोदी जी के नाम पर, 20 का विधानसभा जीते जब नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, नरेंद्र मोदी जी ने उनकी कम संख्या थी फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो ये क्या मतलब है इसका? ये शुद्ध विश्वासघात है, शुद्ध विश्वासघात। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की उनकी। उनसे हमारा रिश्ता आज से है क्या? चारा घोटाले की लड़ाई में साथ आए थे ना समता पार्टी के साथ, उनको नेता बनाया भाजपा ने अपने कंधों पर। इसी भाजपा कार्यालय में 2005 में आपको याद होगा इलेक्शन में बीच में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय प्रमोद महाजन कहा कि इनको नेता बनाना जरूरी है, वो बने नेता, मुख्यमंत्री बने। उनके पार्टी में जॉर्ज साहब वगैरह खिलाफ थे, याद है ना आपको? तो आप 17 में आए, 19 में जीते लोकसभा, 20 में जीते, मोदी जी के पीछे चल के जीते, और आज फिर क्या मतलब है इसका? 2017 में सर जो आप लोगों ने नीतीश कुमार को वापस लिया, हाथ मिलाया, क्या हाइंडसाइट में लगता है कि वो गलती थी? क्योंकि अब जो आप लोग ट्वीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो पलटू राम वाला चरित्र है वो सबको मालूम, बिहार के लिए किया, बिहार के लोगों की अपेक्षा के लिए किया। अपराध, रंगदारी, दादागिरी, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए साथ आए, यही हमारे रिश्तों का आधार है। तो इसलिए हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, और पूरे प्रदेश में जाएंगे और प्रदेश की जनता बहुत गुस्से में है, इसका जवाब देगी। बीजेपी का क्या होगा सर? आखिरी सवाल, बिहार में अब आपके लिए क्या ऑप्शन है? हमारा बिहार की जनता हमारा ऑप्शन है, बिहार की जनता का आशीर्वाद हमारा ऑप्शन है, और काफी निर्णायक विजय होगी 24 की लोकसभा में और 25 के विधानसभा। नित्यानंद राय जी हमारे साथ हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद जी, जो कोलिशन बना रहे हैं नीतीश कुमार, उसमें बीजेपी की क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि आप बिहार में जानते हैं कैसा चुनाव होता है, जातीय चुनाव होता है, इसको मानना पड़ेगा। अब बिहार भी विकास के नाम पर चुनाव करती है, और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद विकास मुद्दा होता है, देश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था होता है, न्याय की बात होती है। देश के गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है, बिहार वासियों के मन में नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के मन में पूरे देश के साथ प्रमुखता से बिहार वासी है। 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 2025 में नीतीश तेजस्वी का कि जनता इस धोखे को नहीं बर्दाश्त करेगी। नीतीश जी ने समझौता किया है उस कांग्रेस से, उस आरजेडी से जो घोटाला का, भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जो कांग्रेस और आरजेडी घोटाला और भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है, आतंक का प्रतीक है, धोखा का प्रतीक है, उसके साथ समझौता करके बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है, 2020 के जनादेश के साथ धोखा किया। आप नित्यानंद जी बहुत करीब से जुड़े रहे पूरे गठबंधन के का जो मैटर था, ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार आप लोग से दूर चले गए, आप लोगों में इतनी कटुता दरार क्यों पड़ गई? देखिए, नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं से सूचना मिली थी कि तेजस्वी उनके पार्टी के लोगों को मंत्री का पद देकर तोड़ने वाली है, जो उनके विधायक मंत्री नहीं बने थे वैसे कुछ लोगों को तोड़कर सरकार बनाएंगे, और या उनको पता हुआ कुर्सी के इतने लोभी होंगे कि नीति से समझौता कर लेंगे, या बिहार की जनता नहीं जानती थी, हम लोग नहीं जानते थे, और कुर्सी चली जाएगी, इस वजह से उनने उनसे समझौता कर लिया और जय प्रकाश जी को लोहिया को धोखा दिया, जॉर्ज जी की नीतियों को धोखा दिया। लेकिन आखिरी सवाल नित्यानंद जी, ये तो लोग पूछेंगे ना कि एक दिन बाद ऐसा क्या होगा कि इतनी खामियां हो गई नीतीश कुमार में, एक दिन पहले तक तो आप लोग सरकार में। देखिए, नीतीश जी ने धोखा दिया है ना, नीतीश जी ने इस गठबंधन को तोड़ा है ना, हमने तो धोखा नहीं दिया है ना, और इस गठबंधन को जनादेश मिला था, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिला था,
नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी याद करें, जब उनको लग रहा था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, इतनी एंटी कॉम्बेंसी है, तो मोदी जी के प्रोग्राम को दुगना किया गया बिहार में 2020 के चुनाव में, और उनके नाम पर वोट मिला और एनडीए की सरकार बनी, नीतीश जी मुख्यमंत्री। धोखा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया है, बीजेपी से अपना गठबंधन खत्म करके अब महागठबंधन के साथ मिलकर वो दोबारा से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरीके से आहत और विश्वासघात करने का नीतीश कुमार पर आरोप लगाती हुई धरना दे रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।